कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। देश में दिग्गज नेताओं को उनके कामों को लेकर सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की नज़दीकियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव करने की ओर इशारा कर रही है। अगर बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन हो जाएगा तो यूपी की राजनीति तस्वीर और तकदीर में नया मोड़ आ जाएगा, जिससे अखिलेश यादव के राजनीति की गाड़ी पंचर होने के कगार पर पहुंच जाएगी। तो क्या होने वाला है यूपी के सियासत में बड़ा बदलाव, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की खबर सामने आई है, तब से बीजेपी और आरएलडी के बीच नज़दीकियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी हैं, जो कि उनके लोकसभा चुनाव में गठबंधन की ओर संकेत कर रही हैं। भाजपा और रालोद का गठजोड़ कांग्रेस और सपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रही है। इसके अलावा अगर यह गठबंधन होता है तो अखिलेश और राहुल एक बार फिर रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जयंत के पाला बदलने से सपा और कांग्रेस के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि उन्हें जाट बहुल सीटों पर मशक्कत करनी पड़ेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर दोनों दलों को काफी फायदा मिला था। चुनावी आंकड़ों को देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल में जाट मुस्लिम का गठजोड़ काफी कारगर साबित हुआ था, क्योंकि 2017 में भाजपा ने यहां 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन वहीं 2022 के आंकड़ों को देखा जाए तो भाजपा को 40 सीटों पर ही कामयाबी मिली, जबकि विपक्ष की सीटें 20 से बढ़कर 31 हो गई। और अगर 2019 के संसदीय चुनाव को देखा जाए तो सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन ने मोदी लहर होने के बाद भी सभी 6 सीटों पर कब्जा किया था। इसके आगे राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर जयंत, अखिलेश और कांग्रेस चुनाव में साथ आते हैं तो कांग्रेस को 5 से 8 सीटों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, जहां पर रालोद का दबदबा है, क्योंकि ये वो सीटें थी जहां अखिलेश भी अपने को मजबूत नहीं समझते हैं, इसी वजह से वे 7 सीटें छोड़ने को तैयार थे। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की खबर से इन सीटों पर कांग्रेस और सपा को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जाट बहुल सीटों पर जयंत अपने लिए काम करेंगे। एक तो राहुल गांधी पहले से ही सीटों को लेकर परेशान है, और अब अगर जयंत चौधरी बीजेपी में जाएंगे तो राहुल गांधी को एक नए सिर से मथापंची करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भाजपा को जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का फायदा मिलेगा। इसकी वजह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।